चलिए एक IP67 DB का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का हम लोग डिजाइन के हिसाब से कैसे डिजाइनिंग होता है और इंटरनल SLD कैसे रहता है उसके ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। जो ये DB रहता है टोटली IP67 का रहता है, जो प्लग टॉप सॉकेट लगा है वो भी IP67 का रहता है और ये डबल लेयर का प्रोटेक्शन रहता है। देखा हो भाई, ये एक प्रोटेक्शन गया, सेकंड प्रोटेक्शन यही है। और यहाँ एनर्जी मीटर भी, कौन सा कितना करंट लेके हम काम कर रहे हैं, एनर्जी कंजप्शन के लिए एनर्जी मीटर भी है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से जो इनकमर आता है, इनकमर आएगा ठीक है, तो वो आपका RCCV रूट होके फिर आपका बस बार में, बस बार से फिर इंडिविजुअल MCB में आएगा। और यहाँ हमारा जो प्लग टब लगा है, दो दो चार लगा है दोनों साइड में, सोच लो 32 का दो लगा है ना, दो लगा 64, 16 का दो, कितना हुआ टोटल 98। तो लोड कैलकुलेशन के हिसाब से आप देखोगे तो ये जो RCCV लगा होगा ये 100 एम्पीयर का होगा। ठीक है, तो लोड कैलकुलेशन के हिसाब से, RCCV का लोड कैलकुलेशन जरूरी है, उसके हिसाब से 100 एम्पीयर 98 हो रहा है तो 100 एम्पीयर के बीच में हमारा रहेगा। और इसके लिए हम लोग क्या एक्स्ट्रा प्रिपरेशन ले रहे हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए, तो मेन चीज़ है ये आई अर्थिंग का मटेरियल आप देख रहे होंगे, तो एक्चुअली इसको बोलते हैं अर्थिंग केमिकल। इसके साथ एक केमिकल पाउडर भी आता है जो बेसिकली बेंटोनाइट का होता है और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसको अगर आप लगाओगे रेजिस्टेंस 1 ओम के नीचे तो आएगा, ये कन्फर्म है। और ये हाइट कितना होता है इसका, लेंथ 3 मीटर होता है, ये 3 मीटर होता है ना। और इसका शॉर्ट बेसिस पे भी आता है, ये भी आता है, तो रेजिस्टेंस इसका कम रहेगा। ठीक है,